एक दफ़ा मैंने अपनी बहन की बेटी को साइकिल के पीछे सीट पे बिठा के ना मैं उसको घुमाने ले गई बाहर सड़क पे मोहल्ले में इधर उधर, तो वो साइकिल से जंप करना चाह रही थी तो उसका पाँव व्हील में फंस गया, उसको चोट आई, वो गिर गई मुंह के बल नीचे। तो काफ़ी लोग जमा हो गए, मोहल्ले के जो लोग गुजर रहे थे सब जमा हो गए और वो मेरे घर पहुँच गए अम्मी के पास और उन्होंने अम्मी को काफ़ी मतलब सुनाया कि ना आपकी बेटी जो करना चाह रही है आप उसे करने दे रही हैं और ये आज इसने ये नुकसान पहुँचाया, कल को कोई बड़ा नुकसान पहुँचाएगी। ये मेरा नाम सायरा जाहिद है, मेरा ताल्लुक स्कर्दू से है, मैं एक साइकिलिस्ट हूँ बाय पेशन बट बाय प्रोफेशन मैं एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूँ। मैं गिलगित बल्तिस्तान की पहली साइकिलिंग में पहली गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। साइकिलिंग मेरा पेशन था बचपन से, जब बाई को साइकिलिंग करते मैंने देखा, बाकी कज़न्स को देखा, फिर मैं अब्बू के पास जाया करती थी और क्वेश्चन करती थी कि लड़कियाँ क्यों नहीं कर सकती ना। मैं इस चीज़ को देखती रही कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो मर्द बहुत ओपनली करते हैं, औरतें नहीं कर सकती, हालांकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि लड़कियां नहीं कर सकती। बहुत छोटी थी मैं एक दफ़ा अब्बू के पास गई, मैंने उनको बोला कि मुझे ना बॉय बनना है, और अब्बा ने भी इस चीज़ को बहुत लाइट लिया, अब्बा ने कहा अब तो कोई मसला नहीं है, बन जाओ, तुम्हारी कटिंग बॉय करवा लूँगा, तुम्हारा नाम रखूँगा, तुम कल से बॉय बन जाओगे। और मैंने मुझे याद है मैं 14 ईयर्स तक मेरी ड्रेसिंग बिल्कुल मेरा बिल्कुल गेटअप बॉयश होता था, मैं उस मर्दाना उसमें मैं साइकिलिंग करती थी क्योंकि डीप डाउन यही बातें थी कि एक मर्द ही ओपनली चीज़ें कर सकता है। उसके बाद शायद अबू को ख्याल आया होगा कि इसने बहुत ही सीरियस ले ली है ये बात, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझाने लगे हैं कि ज़रूरी नहीं है मर्द होना, तो आप ना लड़की हो के भी अपने लड़कियों वाले गेटअप में भी आप अपने नाम के साथ आप जो हैं उसी के साथ आप कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा अगर मेंटल एक चैलेंज की बात करें ना, मेंटल इश्यूज़ की बात करें, तो बहुत ज़्यादा ख़ुद को अंडर प्रिविलेज्ड एक लड़की ज़ात को ना, बीइंग गर्ल को अंडर प्रिविलेज्ड बहुत ज़्यादा फील करना शुरू कर दिया। बट स्टिल जिस जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है, तो आपकी फैमिली जितना भी सपोर्ट करे कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी प्रेशराइज्ड हो जाती है, आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है, आप एक्सप्लेन अपनी फैमिली को करते हो, फैमिली में आपको हर एक बंदे के पास जाके आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मैं ये कह रही हूँ तो क्यों कह रही हूँ, फिर आपको बाहर करना पड़ता है लोगों के सामने, तो वो एक मेंटल ट्रॉमा, वो एक बिल्कुल एक अलग ट्रॉमा था मेरे लिए ना, कि आप एक्सप्लेन कर रहे हो समझा रहे हो बट लोग समझ नहीं रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। मेरी बहन शी इज़ साइकोलॉजिस्ट, इशरत उसका नाम है, क्योंकि वो इस चीज़ को प्रोफेशनली परसू कर रही थी ना, साइकोलॉजी वो पढ़ रही थी, वो मैं बहुत अंडरस्टैंड करती थी कि ना तुम खुद को एक्सप्रेस करते हुए ना, मतलब तुम्हें और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो हो वो हो, इसको एक्सेप्ट करो और इसको बताओ आराम से, एट द एंड ऑफ द इट्स योर फैमिली, वही अंडरस्टैंड करती है आपको, वही सपोर्ट करती है। इस मैसेज को देने के लिए बल्कि इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा। मैं कहती हूँ कि शौक की राह में अगर चलिए चार जानिब से बेखबर चलिए, आपको लोग हर तरह से डराएंगे, आपको कभी मज़हब के नाम पर डराएंगे, कभी आपको उस चीज़ को मर्दाना एक्टिविटी कह के आपको डराएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको हर तरह से डराएंगे, लेकिन आपको करना है जो आपका पैशन है, जो आप करना चाह रहे हो।